हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इज फास्फोरस एंड इट इज द टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फास्फोरस। And about the phosphorus, here we will study general property, isotopes, and allotropes, its occurrence, chemical properties, physical properties, uses, and structure of white phosphorus. यानी कि आज के वीडियो में हम जो स्टडी करेंगे उसमें पॉइंट्स हैं फास्फोरस की जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल प्रॉपर्टीज, उसका एलोट्रॉप, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड और उसके साथ साथ यूजेज और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फास्फोरस, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर 31, वैलेंसी 3 or 5, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 15। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन। यानी कि फास्फोरस के जनरल इंफॉर्मेशन की बात अगर करें तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, फास्फोरस का एटमिक मास नंबर या सिंपली कहें कि फास्फोरस का मास नंबर 31 होता है, इसकी वैलेंसी या तो 3 होती है या 5 होती है, कुछ कंपाउंड में वैलेंसी 3 होती है, कुछ में 5 होती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 8 + 2 = 10, 10 + 6 = 10, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, तो 8 + 2 = 10 और + 5 = 15, ठीक। अकरेंस, फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिविटी इट इज नॉट फाउंड इन फ्री फॉर्म इन द नेचर, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसकी रिएक्टिविटी क्वाइट हाई होती है और इसकी वजह से ये फ्री या एलिमेंटल फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, मोस्टली ये कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कंबाइंड स्टेट में होता है ये। और फास्फोरस को डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है मिस्टर ब्रांड को, यानी ब्रांड साइंटिस्ट ने फास्फोरस को डिस्कवर किया था, और फास्फोरस मोस्टली एलिमेंटल फॉर्म में नहीं होता है, वो मोस्टली कंबाइंड फॉर्म में, यानी कि अपने कंपाउंड के फॉर्म में होता है, और अर्थ क्रस्ट में मीन्स एज ए मिनरल अर्थ क्रस्ट में फास्फोरस 3 में केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्म में होता है, जिसमें कि एक है फास्फोराइट Ca3PO4 फास्फोराइट, और यही वो एलोट्रॉप है जो कि बोन्स में, ह्यूमन बोन्स में भी पाया जाता है, मींस दिस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन। नेक्स्ट क्लोरापेटाइट, क्लोरापेटाइट 3Ca3PO4 CaCl2, और थर्ड जो मोस्ट कॉमन एलोट्रॉप है इसका वो है 3Ca3PO4 CaF2 फ्लोरापेटाइट, यानी फास्फोराइट, क्लोरापेटाइट और फ्लोरापेटाइट, ये 3 मेन इसके जो मिनरल्स होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं, जिसमें कि फास्फोराइट Ca3PO4 ये कंपोनेंट, यानी कि ये कंपाउंड फास्फोरस का, ये ह्यूमन बोन्स में पाया जाता है, और ह्यूमन बोन्स का 58% कंपोजिशन ये बनाता है, यानी कि ह्यूमन बोन्स के 58% में यही फास्फोराइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रिपरेशन, अगर प्रिपरेशन की बात करें तो फास्फोराइट को जब 1500 डिग्री सेल्सियस पर सिलिका के साथ हीट करते हैं Ca3PO4 फास्फोराइट, तो फास्फोराइट कहां से मिलता है, बोन से, बोन एस को, यानी कि बोन का जो पाउडर होता है, बोन का जो एस होता है, तो बोन एस को जब हम सिलिका के साथ 3SiO2 के साथ 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम सिलिकेट 3CaSiO3 एंड फास्फोरस पेंटाक्साइड P2O5, और इस P2O5 को जब कोक के साथ, टेंसी क्या है, कोक,
फास्फोरस पेंटॉक्साइड को जब कोक के साथ हीट करते हैं तो ये बना लेता है P4 फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो फिर प्रश्न में एक बार फिर से समझ ले कि बोन एस यानी फास्फोराइड, फास्फोराइड कहां से मिलता है, बोन एस से मिलता है। तो इस फास्फोराइड को सिलिका के साथ 1500 डिग्री सेल्सियस पे जब हम हीट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है कैल्शियम सिलिकेट और फास्फोरस पेंटॉक्साइड, और फिर फास्फोरस पेंटॉक्साइड की रिएक्शन जब कार्बन से कराते हैं तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड ये रिड्यूस हो जाता है फास्फोरस में और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिड्यूस वहां पे प्रोड्यूस होती है। ठीक, और ये जो व्हाइट फास्फोरस मिला है, ठीक है, इस यानी ये फास्फोरस की वेपर प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में, तो इस फास्फोरस वेपर को जब हम कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये कंडेंस हो जाता है और ये फिर सॉलिड बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से व्हाइट फास्फोरस की प्रिपरेशन होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलोट्राप्स। एलोट्राप्स में फास्फोरस के टोटल 5 एलोट्राप्स है, जिसमें कि फर्स्ट 2 मोस्ट कॉमन है और फर्स्ट 2 ही ज्यादा यूजेस में होते हैं, ज्यादा फ्रिक्वेंटली इन्हीं के बारे में स्टडी की जाती है, लेकिन टोटल जो एलोट्राप्स होते हैं वो 5 होते हैं। तो फर्स्ट है व्हाइट फास्फोरस, सेकंड रेड फास्फोरस, थर्ड स्कारलेट फास्फोरस, फोर्थ वायलेट फास्फोरस और फिफ्थ ब्लैक फास्फोरस होता है। ठीक है, तो पहले व्हाइट फास्फोरस के बारे में देखते हैं। व्हाइट फास्फोरस इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म, मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस, एंड व्हेन इट एक्सपोज्ड टू लाइट इट टर्न्स येलो, मींस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू लाइट इट मेक्स अ लेयर ऑफ येलो मटेरियल ऑन इट एंड फाइनली टर्न्स इनटू रेड फास्फोरस ऑन हीटिंग, एंड दिस इज वेरी सॉफ्ट Wax-like material, waxy material, and it is so soft that can be cut with knife. इतना soft होता है कि इसको knife के साथ हम cut कर सकते हैं। और this is poisonous, toxic, and insoluble in water. And ignition temperature is 30 degree Celsius. And it is stored in water. क्योंकि water में insoluble होता है, organic solvent में dissolve होता है, तो इसीलिए इसको water के साथ store करते हैं, जिससे कि ये reactive ना हो, इसको inactive रखने के लिए कि ये reaction ना करे और नेचुरल फॉर्म में यानी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके, तो वाटर में स्टोर करते हैं। और मोस्टली ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 मॉलिक्यूल, यानी हमेशा ये ज्यादातर कंडीशन में P4 मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सॉलिड स्टेट होता है ये, एंड इट बर्न्स विथ येलो फ्लेम विथ स्लो स्पीड। तो व्हाइट फास्फोरस की सारी प्रॉपर्टी एक बार फिर से समझ लेते हैं कि व्हाइट फास्फोरस फास्फोरस का सबसे रिएक्टिव एलोट्राफ है, जो कि लाइट पे एक सामने आने पर, लाइट में एक्सपोज होने पर पहले ये येलो कलर की लेयर बनाता है और फिर अगर इसको हीट किया जाता है तो रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इसकी फिजिकल कंडीशंस की बात करें तो फास्फोरस सॉलिड है, सॉफ्ट सॉलिड है, वैक्स लाइक होता है, वैक्सी होता है, और इसी वजह से इसको नाइफ से कट कर सकते हैं, और पॉइजनस होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, और इसीलिए वाटर में इसको स्टोर करते हैं जिससे कि ये स्टेबल कंडीशन में पड़ा रहे। और इसकी इग्निशन टेम्परेचर की बात करें तो इग्निशन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 मॉलिक्यूल होता है इसका, और येलो फ्लेम के साथ बर्न करता है ये, और बर्निंग की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। नेक्स्ट एलोग्राफ है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस की कंपैरिजन में स्टेबल होता है, ब्रिटल होता है, और ये पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस की कंपैरिजन में स्टेबल होता है, ब्रिटल पाउडर है और नॉन वोलेटाइल है, यानी वेपर में कन्वर्ट नहीं होता आसानी से। पॉलीमेरिक फॉर्म, पॉलीमेरिक फॉर्म मींस रेड फास्फोरस पे P4 मॉलिक्यूल्स की एक चेन बन जाती है, वो चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये व्हाइट फास्फोरस का क्या है, पॉलीमर है, P4 जो कि 5 फास्फोरस एटम्स का एक मॉलिक्यूल है वो होता है मोनोमर, और जब बहुत सारे P4 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तब जाकर के रेड फास्फोरस बनता है, यानी रेड फास्फोरस क्या है, व्हाइट फास्फोरस का एक पॉलीमर है। और ये टॉक्सिक नहीं होता है, नॉन टॉक्सिक है, इग्निशन टेंपरेचर 240 डिग्री सेल्सियस, रिएक्टिविटी इसकी लो होती है इन कंपैरिजन टू व्हाइट फास्फोरस, लेस रिएक्टिव, और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है, क्योंकि आप देखते होंगे मैचस्टिक्स पे जो वो लगा होता है मटेरियल वो फास्फोरस ही होता है और रेड फास्फोरस होता है। ठीक, उसके बाद स्कारलेट फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस को हम बनाते हैं फास्फोरस ब्रोमाइड PBr3, फास्फोरस ब्रोमाइड की रिएक्शन जब हम मर्करी से कराते हैं
और हीट करते हैं, मींस व्हेन फास्फोरस ब्रोमाइड इज हीटेड विथ मर्करी देन इट गिव्स मर्क्यूरिक ब्रोमाइड एंड P4 स्कारलेट फास्फोरस, और मोर ऑर लेस ये रेड फास्फोरस के जैसा ही होता है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी रेड फास्फोरस से ज्यादा होती है। बस इतना सा ही डिफरेंस होता है कि स्कारलेट फास्फोरस ज्यादातर मैनल्स में रेड फास्फोरस के जैसा होता है, लेकिन रिएक्टिविटी के मैटर में डिफर करता है, रिएक्टिविटी इसकी रेड फास्फोरस से ज्यादा होती है। वायलेट फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस को व्हाइट फास्फोरस को क्रिस्टलाइज करते हैं मॉल्टन लेड पर, यानी कि जब P4 को मॉल्टन लेड के साथ क्रिस्टलाइज करते हैं तो हमको मिलता है वायलेट फास्फोरस, और इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 2.34 से 2.39 के बीच में रेंज करती है। और लास्ट जो ट्रैप है फास्फोरस का, ये है ब्लैक फास्फोरस, और ब्लैक फास्फोरस को प्रिपेयर करते हैं व्हाइट फास्फोरस को 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके, यानी 200 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करके हाई प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पे हम ब्लैक फास्फोरस को प्रोड्यूस कर सकते हैं या सिंथेसाइज कर सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और सबसे स्टेबल फॉर्म ये होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि व्हाइट फास्फोरस सबसे रिएक्टिव फॉर्म है, जबकि ब्लैक फास्फोरस सबसे लीस्ट रिएक्टिव या मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, और मोस्ट कॉमन अगर हम देखें क्राफ्ट में फास्फोरस की तो रेड और व्हाइट फास्फोरस ही आता है, और बाकी ये सारे भी एलोक्राफ्ट होते हैं फास्फोरस के, लेकिन उतना कॉमन ये नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मोर और लेस फास्फोरस की व्हाइट फास्फोरस से दी जाती है, मींस जो प्रॉपर्टी व्हाइट फास्फोरस की है नियर अबाउट वही प्रॉपर्टी जनरल वे में फास्फोरस की एक्सेप्ट की जाती है, वही प्रॉपर्टी डिस्क्राइब की जाती है। तो फास्फोरस जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है तो व्हाइट कलर का होता है, बट धीरे धीरे जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो एयर के कॉन्टैक्ट में आने पर वो येलो कलर एक्वायर कर लेता है, क्योंकि ये एयर में धीरे धीरे बर्न करता है, ग्रेजुअली इसकी बर्निंग एयर में ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, स्पॉन्टेनियस बर्निंग होती है, यानी कि एयर में रखने पर इसका कम्बस्चन शुरू हो जाता है, हालांकि वो कम्बस्चन बहुत स्लो होता है, लेकिन उस कम्बस्चन की वजह से ये स्टैंडिंग कंडीशन में येलो हो जाता है। सॉफ्ट है, वैक्सी है, इसकी स्मेल गार्लिक की तरह होती है, लहसुन की जैसी इसकी स्मेल होती है, लहसुन की तरह यह बनता है, और साफ होने की वजह से नाइफ से कट कर सकते हैं। डेंसिटी इसकी 1.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, वाटर में इनसॉल्युबल है, इग्निशन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, इन सभी में वो डिजॉल्व होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व होता है, बेंजीन में डिजॉल्व होता है वो, और ये पॉइजनस मटेरियल है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला P4 होता है। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि फास्फोरस एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है, लेकिन स्टैंडिंग कंडीशन पे ये येलो हो जाता है, इसकी स्मेल गार्लिक यानी लहसुन की जैसी होती है, सॉफ्ट है, वैक्स की तरह होता है, इसलिए नाइफ से कट किया जा सकता है, इसकी डेंसिटी जो होती है 1.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होता है, जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, इन सभी में डिजॉल्व हो जाता है ये, और ये पॉइजनस सब्सटेंस है, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो कि P4, यानी कि 1 मॉलिक्यूल में 4 फास्फोरस एटम्स होते हैं, जो कि अभी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है फास्फोरेसेंस। फास्फोरेसेंस मींस फास्फोरस जब डार्क में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, तो ये ग्लो करता है, तो फास्फोरस ग्लोज इन डार्क, यानी ये चमक, इसकी चमक से आप इसको पा सकते हैं, कितना भी अंधेरा रूम हो, कितना भी डार्क रूम हो। और ये जो फास्फोरेसेंस प्रॉपर्टी होती है, ये होती है बिकॉज ऑफ स्लो कम्बस्चन, क्योंकि फास्फोरस को कहीं भी रखा रहेगा तो इसका कम्बस्चन बहुत धीरे धीरे बिल्कुल एकदम ग्रेजुअल स्पीड में होता रहता है, तो इसके ग्रेजुअल कम्बस्चन की वजह से, स्लो कम्बस्चन की वजह से फास्फोरस फास्फोरेसेंस की प्रॉपर्टी देता है। क्या फास्फोरेसेंस है? फास्फोरेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फास्फोरस बिकॉज ऑफ विच इट ग्लोज इन डार्क, डार्क में ग्लो करता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कम्बस्चन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जब इसका कम्बस्चन होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई जब रिच होती है तो ये फास्फोरस पेंटाक्साइड का फॉर्मेशन करता है, मींस P4 प्लस 5O2 इक्वल टू P4O10, मींस ये है P2O5।
ठीक, फास्फोरस पेंटाक्साइड। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ा सा रिड्यूस्ड होती है, कम सप्लाई होती है, यानी कि कम ऑक्सीजन में फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है जब, तो ये फास्फोरस ट्राईऑक्साइड बनाता है, P2O3 इसको आप कह सकते हैं, यानी P4O6 को आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि P2O3 और फास्फोरस ट्राईऑक्साइड हो गया है। तो ये है कंबस्शन। फास्फोरस इसके साथ साथ हैलोजन से रिएक्शन करता है, एल्कलीज से रिएक्शन करता है, मेटल से रिएक्शन करता है, और इसका रिड्यूसिंग नेचर भी होता है। तो पहले हम देखेंगे हैलोजन से रिएक्शन, फास्फोरस की रिएक्शन जब क्लोरीन से होती है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन जब ज्यादा अमाउंट में होता है, तो क्लोरीन के प्रेजेंस में ये बर्न करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। अगर एक्सेस है तो P4+10Cl2=4PCl5, तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, एंड इन लेस ऑफ क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन की अमाउंट अगर थोड़ी सी कम होती है, तो P4+6Cl2=4PCl3, यानी फास्फोरस ट्राईक्लोराइड बनाएगा। जैसा कि ऑक्साइड में है कि ऑक्सीजन ज्यादा है तो पेंटाक्साइड, कम है तो ट्राईऑक्साइड, कि उसी तरह से हैलोजन अगर ज्यादा है तो पेंटाहैलाइड, और अगर हैलोजन कम है तो ट्राईहैलाइड। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है एल्कलीन। एल्कलीन का एग्जांपल में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से लेते हैं। तो फास्फोरस की रिएक्शन में एल्कलीन से होता है, तो ये फास्फीन और करेस्पोंडिंग हाइपोफॉस्फाइड बनाता है। जैसे कि फास्फोरस की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हो रही है हाइड्रोजन के साथ, तो ये बनाता है PH3 फास्फीन और KS2PO2, तो ये है पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइड। तो एल्कलीन से रिएक्शन करके मेटल हाइपोफॉस्फाइड बनाता है, फास्फीन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सोडियम, यानी रिएक्शन विद मेटल। तो मेटल से जब रिएक्शन होती है तो ये मेटल फॉस्फाइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि फास्फोरस की रिएक्शन सोडियम से हुई, तो सोडियम फॉस्फाइड P4+12Na=4NaCl सोडियम फॉस्फाइड। ठीक उसी तरह से रिएक्शन विद कैल्शियम, कैल्शियम से फास्फोरस की रिएक्शन होती है, तो Ca3P2 यानी कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मेशन करता है। और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर मींस ये फास्फोरस अदर कंपाउंड से ऑक्सीजन विड्रॉ करता है, उनको रिड्यूस कराता है। जैसे कि नाइट्रिक एसिड के केस में जब ये नाइट्रिक एसिड से इसकी रिएक्शन होती है, तो ये होता है एलिमेंट्री को पहले ये फोर्स करता है वाटर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। मींस फास्फोरस की रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड से होती है, तो वो नाइट्रिक एसिड को फोर्स करता है, उसको प्रमोट करता है कि वो वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन यानी 10O यानी ऑक्सीजन एटम्स प्रोड्यूस करने के लिए। और ये ऑक्सीजन एटम फिर फास्फोरस से रिएक्शन करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं P2O5। यहां पे 2P2O5 होगा, तो 2P2O5 कर दीजिए हम 2P2O5। और इस P2O5 की रिएक्शन जब वाटर से होती है, तो ये बनाता है H3PO4 फास्फोरिक एसिड। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को एक क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है फास्फोरस, कि जब फास्फोरस किसी डार्क रूम में रखा जाता है तो वो ग्लो करता है, और इसका रीजन ये है कि फास्फोरस जो है वो बर्न करता है, ऑटोमेटिकली बर्न करता है, और उसकी बर्निंग से ग्लो प्रोड्यूस होती है। तो फास्फोरस ग्लोज इन डार्क, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फास्फोरेसेंस, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फास्फोरस, स्लो बर्निंग ऑफ फास्फोरस। कंबस्शन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फास्फोरस बर्न करता है, और अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो फास्फोरस पेंटाक्साइड, और अगर ऑक्सीजन कम है तो फास्फोरस ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। फास्फोरस की रिएक्शन हैलोजन से होती है, जैसे कि क्लोरीन से होगी, एक्सेस ऑफ क्लोरीन होगा तो फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, और सॉरी एक्सेस ऑफ क्लोरीन होगा तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और लेस होगा तो फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। और आयोडीन से रिएक्शन करता है, तो फास्फोरस ट्राईआयोडाइड भी बनाता है। तो क्लोरीन और आयोडीन दोनों से रिएक्शन होती है, उसके साथ साथ एल्कलीज से रिएक्शन करके ये फास्फीन और मेटल हाइपोफॉस्फाइड बनाता है। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फास्फोरस से रिएक्शन हुई, तो फास्फीन यानी PH3 बना, और KH2PO2 यानी पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइड का फॉर्मेशन हुआ। और जब मेटल से डायरेक्ट रिएक्शन होती है फास्फोरस की, तो मेटल फॉस्फाइड बनाता है। जैसे कि सोडियम से रिएक्शन हुई, सोडियम फॉस्फाइड, और कैल्शियम से रिएक्शन हुई, कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मेशन होता है। और रिड्यूसिंग नेचर है इसका, कि जब किसी भी सब्सटेंस से फास्फोरस रिएक्शन करता है, तो उसको रिड्यूस करा देता है, उसका रिडक्शन करा देता है। जैसे कि नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन हुई, तो नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस करा दिया, किसमें? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में रिड्यूस करा दिया। ठीक है, और ये रिएक्शन इस तरह से होती है कि फास्फोरस की रिएक्शन जब HNO3 से होगी, तो H2O, NO2 और
O यानी ऑक्सीजन एटम, इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। इस नेसेंट ऑक्सीजन को आगे फास्फोरस टेक अप करता है और बना देता है फास्फोरस पेंटाक्साइड, और फास्फोरस पेंटाक्साइड की रिएक्शन इस वाटर मॉलिक्यूल से जब होती है तो ये बना लेता है H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड। तो ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब उसके आगे है यूज ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का यूज, अगर रेड फास्फोरस का यूज जो होता है वो मैच इंडस्ट्री में मैच स्टिक्स बनाने में होता है। व्हाइट फास्फोरस का यूज जो है वो रैट पॉइजन, रैट किलर जो मेडिसिन आती है, चूहा मारने की दवाइयाँ जो आती है, उसमें व्हाइट फास्फोरस का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ फास्फोरस कंपाउंड जैसे कि आर्थोफास्फोरिक एसिड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस हैलाइड्स हो गए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, हाइपोफास्फाइड्स बनाने के काम में आता है। और ये सारे केमिकल्स का यूज कहाँ होता है, मेडिसिन में होता है। यानी कि फास्फोरस से कंपाउंड्स बनते हैं फास्फोरस हैलाइड्स, फास्फोरस ऑक्साइड्स, फास्फोरिक एसिड, फास्फीन, और इन सभी का यूज कहीं ना कहीं मेडिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। और इसके साथ साथ फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाने में होता है, ठीक है, यानी कि कापर टिन और फास्फोरस का एलॉय बनता है, जो कि फास्फोरस ब्रॉन्ज होता है। कापर टिन और फास्फोरस का एलॉय फास्फोरस ब्रॉन्ज होता है, और उस फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाने में भी फास्फोरस का यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ फास्फोरस का यूज जो होता है वो बॉम्ब्स बनाने में यानी एक्सप्लोजिव्स बनाने में, स्मोक स्क्रीन बनाने में और फायरवर्क में भी किया जाता है। तो ये है यूज ऑफ फास्फोरस। हमारा लास्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस, इसमें भी हम P4 का स्ट्रक्चर समझेंगे। इसमें भी फास्फोरस के 4 एटम्स होते हैं, और फास्फोरस का हर एक एटम इस P4 मॉलिक्यूल में नेक्स्ट 3 एटम से बॉन्डेड होता है, और वो बॉन्डिंग होती है सिंगल बॉन्ड से। यानी कि फास्फोरस के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, फास्फोरस के पास वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन है 5। ये इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन 5 इलेक्ट्रॉन में से हर फास्फोरस अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और वो P4 मॉलिक्यूल में एक फास्फोरस एटम नेक्स्ट 3 फास्फोरस एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। तो इस तरह से हर एक फास्फोरस एटम का 3 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में बचते हैं, जो कि डॉट के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। तो यह है फास्फोरस का स्ट्रक्चर। और अगर हम इसमें एंगल की बात करें तो 2 फास्फोरस यानी PP ये बॉन्ड हो गया, एक फास्फोरस फास्फोरस, दूसरा ये फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड हो गया। इसके बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होता है, और फास्फोरस फास्फोरस यानी कि 2 फास्फोरस एटम के जो बीच बॉन्ड बना हुआ है उसकी बॉन्ड लेंथ 2.21 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। मींस ओवरऑल फास्फोरस मॉलिक्यूल जो कि P4 है, P4 में हर एक फास्फोरस एटम नेक्स्ट 3 अपने नेबरिंग फास्फोरस एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, और इस सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन में हर फास्फोरस एटम का 3 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाता है उसके वैलेंस शेल का, 2 इलेक्ट्रॉन उसके लोन पेयर के फॉर्म में बचते हैं। और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होती है, और बॉन्ड लेंथ 2.21 एंगस्ट्रॉम है। तो ये टोटल इंफॉर्मेशन रही फास्फोरस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे ऑक्सीजन फैमिली के बारे में और फास्फोरस कंपाउंड्स के बारे में, जैसे कि फास्फीन, फास्फोरिक एसिड और फास्फोरस के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।